बनाने जा रहे हैं देसी मुर्ग का सालन, मज़ेदार सा सालन। नाज़रीन, हमने घर में कुछ देसी मुर्गियां पाली हुई हैं, आज हम इनमें से एक सेलेक्ट करेंगे। इसमें बहुत सारी वैरायटी है और घर में पालने का यही फ़ायदा होता है कि मौसम भी अच्छा है, मौसम सर्द हो रहा है तो एक तो ये है कि खूबसूरती भी है, बच्चे इंजॉय करते हैं और साथ साथ हमें अंडे भी मिलते रहते हैं मुर्गियों के, और जब कभी दिल करता है तो हम देसी मुर्ग भी बना लेते हैं। तो आज हम आपके लिए देसी मुर्ग बनाने जा रहे हैं, इसमें से हम एक मुर्ग सेलेक्ट करते हैं। आइए हम कोई एक मुर्ग ले लेते हैं इसमें से। ये मुख्तलिफ नस्लें हैं, वैसे ये फैंसी मुर्गियाँ हैं, हमारे पास देसी भी हैं, देसी हम कई दफ़ा बना चुके हैं, तो आज हम चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा डिफरेंट एक टेस्ट उसको इंजॉय करें। तो इसमें से हम एक ले लेते हैं, हम ये वाला मुर्गा पकड़ लेते हैं। ये जी नाज़रीन, ये हम आज इसको बनाएंगे और इसका सालन भी माशाल्लाह अच्छा बना। की रेसिपी शुरू करने लगे हैं, आज हम बनाने लगे हैं देसी मुर्ग का सालन। ये हमारे पास तकरीबन 2 किलो के करीब देसी मुर्ग है जो हमने आपको दिखाया था, अब हम इसको बनाने लगे हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे, तकरीबन आधी से पौनी प्याली ऑयल, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 दरमियानी अदद प्याज स्लाइस किए हुए, इसको हम ब्राउन करेंगे। जी नाज़रीन, ये हमारा प्याज ब्राउन होने लगा है और हमने ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, नहीं तो हमारा सालन जो है वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। बिल्कुल लाइट सा ब्राउन हो गया। अब हम इसको इस मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाने लगा हूँ, हम इस प्याज को निकालेंगे और बाद में डालेंगे। जो बाकी चीज़ें हमारे पास हैं, हमारे पास तकरीबन 2 किलो गोश्त है, टमाटर का पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हमारे पास पिंक सॉल्ट है, ये पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्ची, हल्दी, ज़ीरा, और बीच में हम दूध भी डालेंगे, ये आपको एक टिप्स है। अब हम इसको निकाल लेंगे, ये हमारे पास लाइट ब्राउन हो गई है और इसके बाद हम इसमें आगे का प्रोसेस जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, ये ब्राउन हो गया है, प्याज हम कुछ निकाल रहे हैं और कुछ उसमें हम रहने देंगे, बाकी प्रोसेस हम आगे जारी रखेंगे। जी अब हम इसमें शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, हम 2 से 2.5 चम्मच जो है ना इसमें ऐड करेंगे। ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट में ऐड किया है। नाज़रीन, अब मसाले हम आया है, हम अपने हस्बे जायके तकरीबन 1 चम्मच जो है लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं, 1/2 चम्मच जो है चाय का चम्मच जो है टीस्पून जो है हम हल्दी लेते हैं, 1 जो है टेबल स्पून जो है हम धनिया लेते हैं, ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, और नमक भी जो है हस्बे जायका, ये पिंक सॉल्ट है, ये हम डालते हैं तकरीबन, और इसको हम अब मिक्स करते हैं। इन हमने मसाले डाले हैं तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, अब हम मज़ीद इसमें मसाले ऐड करते हैं। अब हम डालने लगे हैं टमाटर का पेस्ट, ये तकरीबन 3 से 4 अदर टमाटर थे, हमने उसका पेस्ट बनाया और उसमें ऐड किया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जी नाज़रीन, मसाला भून रहा है बहुत अच्छा टमाटर के बाद, अब हम इसमें डालेंगे, जब ये थोड़ा सा टमाटर भून गया है तो अब हम इसमें दही डालने लगे हैं, तकरीबन 1/2 प्याली। जी नाज़रीन, मसाला ज़बरदस्त सा भून गया और इसकी निशानी ये होती है कि ऑयल मसाला जब छोड़ने लगता है तो इसका मतलब है मसाला तैयार हो गया। अब मसाला तैयार है और अब हम इसमें गोश्त डालने लगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन, हम इसमें गोश्त डाल रहे हैं। नाज़रीन, ये हमने चिकन के साथ इस मसाले की बुनाई की है और ये बहुत ज़बरदस्त मसाला इसमें रच बस गए हैं, तकरीबन आपने 5 से 10 मिनट अच्छी तरह बुनाई करनी है, अगर नहीं करेंगे तो इसमें कच्चापन आएगा, टेस्ट ज़रा इतना अच्छा नहीं बनेगा, जितना ज़्यादा अच्छी बुनाई कर लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब हम चंद एक चीज़ें और इसमें ऐड करते हैं, इसमें हम कुछ हरी मिर्चें ऐड कर रहे हैं, ये देखें हरी मिर्चें इसमें ऐड की, और कुछ हमने साबुत डाल दी हैं और कुछ हमने ये काट के ग्रीन चिलीज जो है ना वो ऐड की हैं इसमें। ये बरल मिर्चों वाला काम जो है ये अपनी टेस्ट के मुताबिक होता है, अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मसाले डालेंगे, कुछ ये है गरम मसाला हमने स्पेशल बनाया हुआ, तमाम इसमें ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची,
और ये चीज़ें जो है ना काली मिर्च ऐड करके हमने एक गर्म मसाला बनाया है, और हम इसका तकरीबन एक से डेढ़ जो टीस्पून है वो इसमें ऐड कर रहे हैं, और बाकी आधा एक चम्मच हम बाद में ऐड करेंगे। ये गर्म मसाला ऐड किया, और ये एक बड़ी स्पेशल चीज़ है, इसको कहते हैं जायफल और जावित्री। ये थोड़ा सा, ये बहुत तेज़ होते हैं स्पाइसेस, तो आपने थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेना है यहाँ पे। अब देखें ये है ऑयल इसके ऊपर आ गया है, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन गई है। अच्छा, इसमें जो एक खासी की चीज़ है वो ये है कि हम इसमें तमाम मसालों के साथ, अब इसमें हमने पानी तो ऐड करना ही करना है इसके शोरबे के लिए, आपकी अपने टेस्ट के मुताबिक आपने कितना इसको गाढ़ा रखना है। लेकिन देसी जो मुर्ग का जो सालन होता है उसमें शोरबे का बहुत टेस्ट होता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे शोरबा इसका मुनासिब सा हम इसको बनाएं। और ये मसाला देखें, ये देखें बिल्कुल तैयार है, अगर आप गौर हम देखें तो ये ऑयल इसमें आ गया है और मसाला बहुत अच्छा ऐड हो गया। अब हम इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ करने लगे हैं, ये एक टोटका भी है, ये आपने दूध डालना है। दूध से इसका टेस्ट बहुत शाही किस्म के कौरमे का आएगा, और मसाले हमने बहुत अच्छे इसमें ऐड कर लिए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूध भी ऐड करने लगे हैं। जी नाज़रीन, मसाला तकरीबन अपनी बहुत बेहतरीन कंडीशन में आ चुके हैं, खुशबू बहुत अच्छी है। अब हम इसमें अपने शोरबे के हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी वाह, बेहतरीन, बड़ी स्पेशल चीज़ है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है और सर्दियों की तो ये सौगात है। प्याज ब्राउन करके शुरू में निकाला था, अब हम डालने लगे हैं, यह बिल्कुल आखिरी मरला है, और इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा कौरमे वाला। ये हम इसमें मिक्स कर रहे हैं, ये आप ग्राइंड कर लें, हाथ से मसल लें, बिल्कुल कुरकुरी प्याज होती है, जब आप इसमें डालेंगे तो इससे कौरमे वाला टेस्ट आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, हमारा आज का देसी मुर्गा सालन बिल्कुल तैयार है, और हम अब इसको डिश आउट करने लगे हैं। ये देखिए बहुत अच्छा रोगन आ रहा है, बहुत अच्छा शोरबा है, बहुत अच्छी खुशबू है। जी नाज़रीन, हमने डिश आउट कर लिया है, हमारी आज की देसी मुर्ग का सालन जो है बिल्कुल रेडी है, बहुत खूबसूरत आपके नज़र आ रहा है। ऊपर से हमने गार्निशिंग की है ग्रीन कोरिएंडर यानी हरा धनिया और बादाम से। बाकी सैलेड से लें, देसी तंदूर की रोटी खाएं, या घर की पकी हुई रोटी के साथ ये खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा, और सर्दियों की ये सौगात है। नाज़रीन, ये डिश आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और आपने अपने फीडबैक पर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आइंदा हम एक और रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।